चीन में कोरोना के हाहाकार के बीच एक और बड़ी खबर सामने आई है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यहां युवा खुद को जानबूझकर कोरोना संक्रमित कर रहे हैं। दरअसल चीन की एक बड़ी आबादी ऐसी है जिसे वैक्सीन ही नहीं मिली है। ऐसे में अब चीन में कई युवाओं का मानना है कि अगर वे एक बार संक्रमित हो गए तो उनमें एंटीबॉडी बन जाएंगी, जिससे वे दोबारा संक्रमण से बचे रहेंगे। यही कारण है कि वो खुद को संक्रमित कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 9 डिजिटल और मैं हूं आपके साथ कृतिका चावला। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार शंघाई में एक 27 वर्षीय कंप्यूटर कोडर ने बताया कि वह खुद को वायरस के संपर्क में लाया, क्योंकि उसका मानना है कि वो इससे ठीक हो जाएगा और फिर अपनी छुट्टियों के समय पर कोरोना पॉजिटिव नहीं होगा। कोडर ने कहा कि उसे वैक्सीन नहीं लगी है, कोरोना के कारण वे अपना प्लान नहीं बदलना चाहता है। उसका कहना था कि एक बार संक्रमित होने पर वह जल्द ही रिकवर हो जाएगा और दोबारा संक्रमित नहीं होगा। शंघाई की रहने वाली एक 26 वर्षीय महिला ने बीबीसी को बताया कि वे अपने दोस्त से मिलने गई थी जो कि कोविड पॉजिटिव था। उसने बताया कि उसके रिकवरी होने में काफी समय लगा और रिकवर होना मुश्किल था। उसने कहा कि ये सर्दी लगने जैसा था, लेकिन बहुत ज्यादा खतरनाक था। इसके साथ ही उत्तर झेजियांग प्रांत के जियांगसिंग में रहने वाली 29 साल की एक महिला ने बताया कि वह बॉर्डर खुलने से खुश है। उसका कहना है कि वे एक बार फिर चीन के दूसरे इलाकों में यात्रा करना चाहती हैं। उसने कहा कि वे कोरोना से डरती नहीं है, लेकिन एक साथ सब बीमार पड़े ये नहीं चाहती हैं। चीन में कोरोना वायरस से हालात भयावह हैं, ना अस्पतालों में जगह है और ना ही शमशान में। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की वीकली रिपोर्ट के मुताबिक चीन में एक हफ्ते में कोरोना के नए मामलों में करीब 50% का इजाफा हुआ है। रिपोर्ट बताती है कि 26 दिसंबर से 1 जनवरी के बीच में कोरोना के 2.18 लाख से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसे ही देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल TV9 भारतवर्ष।